सो फ्रेंड, इस तरह की स्टार्टअप वीडियो बनाने के लिए पहले आपको मोबाइल में अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, ब्लॉक साइकन में जाना है। उसके बाद आपको इधर से 4.5 रेशियो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक इमेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको इमेज को पहले डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको इमेज को इधर से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इस तरह कुछ दिखाई देगा। उसके बाद आपको मोबाइल ट्रांसफॉर्म में जाकर थोड़ा साइज को उसको इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आने, प्लस आइकन में जाने, ऑडियो में जाने, जो सॉन्ग में आप स्टार्ट वॉच वीडियो बनाना चाहते हैं वो सॉन्ग को आपको इधर से ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड, सॉन्ग को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, सॉन्ग को एंड तक आ जाना है। आने के बाद आपको जो इमेज का इधर ये आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इमेज आपको पूरा एंड तक आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से जो इमेज आपने ऐड किया था उसके ऊपर क्लिक करना है। इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। उसके बाद आपको इधर से मोबाइल ट्रांसफॉर्म में जाना है। जाने के बाद आपको ये वाला एक प्लॉ ये देख सकते हैं प्लॉ साइज, आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो फ्रीक्वेंसी है पूरा 0.10 कर देना है। उसका जो स्क्रीन है उसको 1% कर लेना है। उसका जो ग्रो है थोड़ा आपको उसको 1.12% इसमें आपको रख लेना है। उसके बाद आपको बैक करना है, फिर से आपको इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, फिर से आपको मोबाइल ट्रांसफॉर्म में जाना है। उसके बाद आपको इधर से इस स्विंग वाला इफेक्ट आपको इधर से चूज कर लेना है। उसके बाद जो स्विंग है उसको आपको इधर से ओपन करना है। ओपन करना है इसका जो फ्रीक्वेंसी पूरा उसको आपको कम कर लेना, यानी कि 0.13 या 14 आपको इसका रख लेना है। उसके बाद जो एंगल 1 है देख सकते हैं उसको आपको इधर से कम कर लेना है, यानी कि आपको इधर से -2% के आसपास आपको इसको ले आना है। तो मैं इधर से -2 कर लेता हूँ, तो आपको एंगल 1 को इधर से -2% इधर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद एंगल 2 है आपको उसको क्या करना है, +2 यानी कि ओनली 2% इधर से आपको चूज कर लेना है। तो मैं जैसा कर लेता हूँ, तो इस तरह आपको हो गया देख सकते हैं। तो आपको प्ले करके दिखाता हूँ, इस तरह आपको कुछ इमेज इफेक्ट देखने मिलेगा। सो फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस आइकन में जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, क्योंकि PNG का लिंक मिल जाएगा ब्रॉ स्ट्रोक वाला, उसको आपको ऐड करना है। मोबाइल ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको नीचे अच्छी तरह से इस तरह आपको सेट कर लेना है। अच्छी तरह से सेट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको आपका साइज जो है तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा जो कि कर सकते हैं, तो मैं इतना छोटा रखता हूँ। उसके बाद उसको बीच में अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद एंड तक आना है। आने के बाद इस स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे तो एंड तक पूरा आ जाएगा। उसके बाद स्टार्टिंग में आना है, आपको इधर से लिरिक्स सीखना है, प्लस सीखना जाना है, टेक्स्ट में जाना है, आपका जो भी पहला लिरिक्स है इधर से आपको लिख लेना है। आपको कैपिटल लेटर लिखना है पहला लेटर। उसके बाद फॉन्ट में जाके आपको फॉन्ट सिलेक्ट करना है। फॉन्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो बीच में आ जाएगा। उसके बाद जो टेक्स्ट साइज है थोड़ा आपको उसको इंक्रीज कर लेना है। कलर में जाके इधर से वाइट कलर को चूज करना है। उसके बाद साइज आपको इस तरह पूरा इस तरह साइज आपको कर लेना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाना है, थोड़ा साइज को इंक्रीज करना है। उसके बाद नीचे उसको टेक्स्ट को इस तरह को बीच में अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। उसके बाद उसका जो टेक्स्ट साइज है अपने हिसाब से आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड तक आ जाना है। आने के बाद उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा एंड तक आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट लेयर है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, बॉर्डर एंड शैडो में जाना है। उसके बाद ये शैडो वाला ऑप्शन में जाके शैडो को इधर से इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद साइज आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, तो मैं इतना रखता हूँ, 5% आपको इधर से रख लेना है। उसके बाद उसको आपको प्ले करके सुन लेना है कि आपका जो पहला लाइन है कितना सेकंड तक है। तो फिलहाल मेरा जो लिरिक स्टार्ट होता है पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं तो 26 सेकंड से इधर से मैं स्टार्ट होता है जो कि मेरा लिरिक्स। तो मैं इधर से क्या करता हूँ, 26 सेकंड से इधर से मैं ट्रिम कर लेता हूँ। उसके बाद इधर से मैं प्ले करके सुनता हूँ कि मेरा जो पहला लिरिक्स है कितना सेकंड तक है। तो फिलहाल मेरा जो पहला लिरिक्स है 3.17 सेकंड तक है, मैं इधर से ट्रिम कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको सुन लेना है आपका जो सेकंड लिरिक्स है कितना सेकंड तक है। तो फिलहाल सेकंड लिरिक्स जो है मेरा 6.16 सेकंड तक है, मैं इधर से स्प्लिट कर लेता हूँ। उसके बाद जो सेकंड लिरिक्स है उसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में जाके उसको आपको यूरेस कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी सेकंड लिरिक्स है आपका इधर से आपको लिख लेना है। तो फिलहाल मेरा जो सेकंड लिरिक्स है मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको इधर से पेस्ट, आपको जो भी लिरिक्स है आपको अपने हिसाब से इधर से आपको लिख लेना है। तो मैं इधर से लिख लिया। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद अपने हिसाब से उसका साइज़ अपने छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो मैं इतना थोड़ा छोटा करता हूँ। तो इस तरह देख सकते हैं हो गया। उसके बाद इतना करके आपको इस तरह करके जितना भी आपका लिरिक्स है आपको पहले सुन लेना है, उसके बाद आपको स्प्लिट करके लिख लेना है। तो फटाफट से मैं लिरिक्स लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। सो फ्रेंड, देख सकते हैं इस तरह करके मैं जो पूरा लिरिक्स लिख लिया, तो आपको एक एक करके पूरा जो लिरिक्स है आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग जो लिरिक्स है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, टेक्स्ट में जाके इधर से आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये वाला इफेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको लिरिक्स का जो स्टार्टिंग में आपको आ जाना है। आने के बाद स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर से एक प्लस आइकन दे देना है। उसके बाद थोड़ा दूर छोड़ के आपको इतना दूर छोड़ के फिर से आपको एक प्लस आइकन दे देना है। देने के बाद आपको क्या करना है, जो स्टार्ट है इधर से आपको पूरा 100% इधर से आपको चूज कर लेना है। तो मैं इधर से 100% कर लेता हूँ।
उसके बाद आपको नीचे आना है, जो ऑफसेट है ऑफसेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने में देख सकते हैं जो एक्स आपको दिखाई दे रहा है, एक्स के ऊपर क्लिक करना है, उसको आपको इधर से -40 इधर से आपको रख लेना है। उसके बाद वाई के ऊपर क्लिक करना है, उसका जो ड्यूरेशन है आपको इधर से -600 के आसपास आपको ले आना है। तो मैं इधर से 610 नहीं तो आपको इधर से 610 -610 इधर से आपको चूज कर लेना है इस तरह। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद देख सकते हैं इधर से आपको एक ऑप्शन आएगा जो कि ईज इन ईज आउट, इसको इधर से ईज इन को 100% कर लेना है, ईज आउट को -100% इधर से आपको कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारा जो कि पूरा कंप्लीट हो गया इधर से। तो आपको मैं इधर से जो कि प्ले करके आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह आपको टेक्स्ट इफेक्ट जो कि इस तरह कुछ दिखाई देगा। देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि हमारा टेक्स्ट इफेक्ट जो कि ड्रॉप टेक्स्ट इफेक्ट हमारा दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से सिर्फ इफेक्ट में जाके इधर से आपको कॉपी इफेक्ट करना है। उसके बाद आपको जितने भी आपका लिरिक्स आपने लिखा था उसके ऊपर सिर्फ जाके आपको सिर्फ इधर से पेस्ट इफेक्ट आपको कर लेना है। इस तरह करके पूरा जितने भी आपने लिरिक्स लिखा था सिर्फ पेस्ट इफेक्ट आपको कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं आपको प्ले करके इधर से दिखा था, देख सकते हैं कितना अच्छे से जो कि हमारा इफेक्ट लग गया, उसका टेक्स्ट इफेक्ट भी ऐड हो गया। देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि हमारा वीडियो अभी लग रहा है। उसके बाद आपको एंड में एक इफेक्ट ऐड करना है, जो इमेज अपने बैकग्राउंड इमेज है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे प्रोसीड्यूरल उसके ऊपर क्लिक करके इधर से आपको जो सिंपल स्टार फील्ड है इसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसको ओपन करना है, पहले ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन, उसके बाद आपको एंडिंग में एक प्लस आइकन देने के बाद उसको नीचे इस तरह स्लाइड कर लेना है, इस तरह करके थोड़ा आपको स्लाइड कर लेना है। स्लाइड करने के बाद आप जो देख सकते हैं इधर से डेप्थ उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका जो डेप्थ है थोड़ा आपको इधर से -1.5 या 6 रख लेना है। उसके बाद जो साइज है आपको इधर से थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, जो कि आपको 800 के आसपास आपको ले आना है। तो इधर से थोड़ा इसका जो साइज है मैं इसका इंक्रीज कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं उसको आप उसके बाद उसको कुछ भी चेंज कर नहीं करना है, नीचे आना है, सिर्फ जो काउंट है आपको इधर से जो कि 6% इधर से आपको चूज कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह आपको जो कि कुछ इफेक्ट देखने मिलेगा, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं इस तरह जो कि पार्टिकल वीडियो देखने मिलेगा, देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि हमारा अभी वीडियो लग रहा है। उसके बाद आप चाहेंगे तो इधर से आपका जो चैनल का लोगो है आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा जो कि वीडियो फाइनली कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको वीडियो को सेव करने के लिए शेयर ऑप्शन में जाना है, वीडियो को आपको इधर से फुल HD में क्वालिटी फुल रख के एक्सपोर्ट कर लेना है। सो फ्रेंड ये थे आज की एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगा तो एक लाइक कर लेना। इस तरह की एडिटिंग वीडियो देखने के लिए हिंदी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।